अंबती रायडू ने घोषित कर दिया अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट। आईपीएल तो अभी भी खेलेंगे वो, लेकिन भारतीय कपड़ों में दोबारा नहीं दिखेंगे खेलते हुए। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स हैशटैग आकाशवाणी एक्स्ट्रा एंड आवर डिजिटल स्पोर्ट्स रेडियो पार्टनर इज स्पोर्ट्स फ्लैशेस। अब अंबती रायडू, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, एकदम अचानक कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो वो वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ और ही इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द स्टैंड बाय लिस्ट। आई मीन अगर भारत को एक और रिप्लेसमेंट चाहिए, खुदा ना खास्ता ना चाहिए हो, लेकिन अगर चाहिए हो तो वो उस लिस्ट के अंदर से आप फिर भी खिलाड़ियों को चुनना चाहते हैं, तो फिर ऐसा अचानक उन्होंने क्यों किया होगा। देखिए थोड़े से इंपल्सिव नेचर के वो जरूर हैं, वो उनका ट्वीट भी यही बताता है, उनका जो पहले आईसीएल की तरफ जाना था वो भी यही बताता है, थोड़ा सा उनका नेचर उस प्रकार का है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब पहली रिप्लेसमेंट मांगी गई शिखर की जगह, तो फिर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गया था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपने भेजा ऋषभ पंत को आपने स्टैंड बाय में से पिक किया, अंडरस्टैंडेबल कि आप चाह रहे थे कि एक लेफ्ट हैंडर हो जाए, एक आपको फिनिशर चाहिए, क्योंकि राहुल नंबर चार पे खेल रहे थे या फिर राहुल को हम ओपन करा देंगे तो काम शायद चल जाता। लेकिन जब दूसरा रिप्लेसमेंट मांगा गया, जब विजय शंकर भी चले गए, तो फिर आपने बिल्कुल स्टैंड बाय के भी बाहर चले गए, आप अपने मयंक अग्रवाल को पिक किया जो आज तक कभी भी एक दिवसीय एक मुकाबला नहीं खेले, मतलब वनडे खेले नहीं लेकिन वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा। नाउ ऑफ कोर्स मतलब इंडियन टीम सेलेक्टर्स दे हैव द रीजंस टू पिक मयंक अग्रवाल, लेकिन अंबती रायडू में है फेल कि यार अब हो गया, इसके बाद अब कोई चांस नहीं मेरा, अगर अभी भी मेरा नंबर नहीं आया तो फिर मेरा नंबर कभी नहीं आ सकता, और उसके चलते उन्होंने कहा जी टाटा बाय बाय आई एम डन विद द गेम। क्या उनको ट्वीट वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सी देयर टू स्कूल्स टू इट, एक की क्यों कर रहे हो यार मत करो, दूसरा इट्स ओके यार ह्यूमंस है ना, मतलब ऑल ऑफ अस आर नॉट सेम, पांच हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती तो पांच इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं। पर क्या उनका ट्वीट उनके अगेंस्ट गया सिलेक्शन के, आई रियली होप दैट्स नॉट द केस, बिकॉज मैच्योर इंडिविजुअल्स डोंट थिंक दैट वे, दे डोंट रिएक्ट दैट वे, एंड सिलेक्शन कमिटी से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो इन चीजों को तो कम से कम बिल्कुल दरकिनार करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, बिल्कुल नहीं चाहते कि एक ट्वीट के चलते किसी का आप करियर खराब कर दें या फिर टीम के लिए जो बेहतर है आप वो ना करें, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। लेकिन अंबती रायडू द प्लेयर मेरे साथ गए थे, ये कुछ 16-17 साल गए थे, 2001-2002 का ये टूर था, 2003 वेस्ट इंडीज इंडिया का टूर, तो यहाँ पे छोटे से बच्चे थे तब और चाइल्ड प्रोडिजी थे हमारे अशोक मल्होत्रा कोच थे, तो इनको हर बार वो कप्तान होता था जो भी उसको बोलते थे अंबती को बैटिंग, अंबती को बॉलिंग, अंबती अंबती की भाई अंबती हमारा आने वाला भविष्य का सुपरस्टार है, ये सबका मानना था उस समय की बीसीसीआई में जो सिलेक्शन कमेटी थी, सबको ये लगता था कि ही इज द चाइल्ड प्रोडिजी, इनमें आपको इन्वेस्ट करना है, और इस वजह से उनको बहुत मौके मिले। लेकिन फिर दैट टूर केम एंड वेंट, हिज मतलब करियर डिडंट रियली टेक ऑफ, फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, बुच्ची बाबू खेल रहे थे, शायद हैदराबाद की टीम थी वहां पर, और एकदम इन अ नाइट देयर वाज अ मास एक्सोडस, वो छोड़ के गए अपने साथ कई खिलाड़ियों को भी ले गए, वो आईसीएल चले गए। अब आईसीएल में जाना एक बार सबको ये लगा, ऑफर सबके पास आई थी कि अगर आप वहां चले गए तो आप वापस बीसीसीआई के फोल्ड में नहीं आ पाएंगे, तो फिर जो आपका जो सोच आपकी जो मंशा है कि आप इंडिया के लिए खेलेंगे कभी, वो अब आप टाटा बाय बाय कर दीजिए, आपको मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इवेंट प्लेड अ लॉट ऑफ टी20 क्रिकेट, वापस आए, फिर खिलाड़ियों को वापस आने का मौका दिया गया, तो वो जो टी20 की प्रैक्टिस थी वो उनके काम आई, आईपीएल में अच्छा करने लगे, आईपीएल में अच्छा किया तो इंडिया खेलने का मौका मिला। सो बिट ऑफ अ डेस्टिनी चाइल्ड है ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा कठिन होता है कि आप बीसीसीआई की फोल्ड से बाहर चल जाएं, एक रेबल लीग में खेले, वापस आए, फिर इंडिया के लिए खेल जाए, आईपीएल के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं, इट्स नॉट दैट इजी, बट देन ही इज आल्सो गुड प्लेयर, लेट्स बी फेयर, मतलब बैटिंग अच्छी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्पिन अच्छी खेलते हैं, अच्छा उन्होंने देखा जाए तो जितना आईपीएल का उनका प्रदर्शन रहा है बहुत बढ़िया, इंडिया के लिए भी अच्छा खेले, एंड लेट्स बी फेयर, क्योंकि जब वेलिंगटन गए मुझे लगा जो पारी खेली ना, इट शुड हैव सील्ड हिज डील फॉर द वर्ल्ड कप, जाना चाहिए था, उनको टीम में होना चाहिए था, मेरी टीम में तो थे, अगर मुझे टीम बनानी होती तो मैं अंबती रायडू को टीम में जरूर रखता, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो ब्रेबॉन में शतक, उसके बाद वेलिंगटन की वो पारी डिफिकल्ट कंडीशन में पारी, और हाईएस्ट रन स्कोरर थे यार वेस्ट इंडीज में, और उसके बाद सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया का दौरा था भारत का, वहां तो ज्यादा मैच भी नहीं खेले, उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया, तो फिर थोड़ा सा अनुचित हुआ उनके साथ, कह सकते हैं थोड़ा सा अनफेयर हुआ, बट देन सो बी इट, इंपल्सिव नेचर के हुए तो उन्होंने अब कह दिया कि टाटा बाय बाय, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ अवेलेबल एट ऑल, अगर आपको अब चेंज करना पड़ेगा तो मैं आपकी स्टैंड बाय की लिस्ट का भी अब मैं हिस्सा नहीं हूँ। दैट्स स्लाइटली अनफॉर्चुनेट, स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, मे बी अ ईयर और टू ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट वाज स्टिल लेफ्ट इन हिम, बट देन उन्होंने तो फर्स्ट क्लास खेलने से भी मना कर रखा है, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल रहे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं सिर्फ आईपीएल पे फोकस करूं, बट देन आईपीएल खेलेंगे, वी विश हिम ऑल द वेल, एज थिंग्स स्टैंड ही इज डेफिनेटली, क्योंकि अंत में क्या होता है जब कहानी खत्म हो जाती है ना, तो आप पीछे मुड़के देखते हैं कि ये खिलाड़ी खेला था इंडिया के लिए यार, सो ही इज वन ऑफ दोज लकी वंस हु हैव वॉन द इंडिया ब्लू, इंडिया का तमगा इनकी छाती पे है, ये बहुत बड़ी बात है।
चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. 1 million स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो लेट्स ऑल सेंड आवर विशेस टू अंबती रायडू फॉर अ वेरी नाइस सेकंड इनिंग्स. मतलब जब इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट सब कुछ खत्म हो जाएगी, उसके बाद वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट.